गुरु आधार चैतन्य जी ने गाया, उन्होंने गाया नहीं है लेकिन, और मैं कलाकारों को बुराई भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे देहाती कलाकारों से तो ना बंबई बारे और ना ही वृंदावन बारे जीत ही ना सकते। जो कथा सम्राट आधार चैतन्य जी थे और आला सम्राट हमारे गुरुदेव सुरजन चैतन्य जी हैं, उन्होंने ये गीत कैसे गाया है, कि मेरे दश के कमल तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी। खैर वो इस दुनिया में नहीं, अगर वो होते तो इस गीत को वो कैसे गाते। कि मेरे लश के कमल तूने पहली नजर मेरी लेकिन दुख इस बात का है कि भक्तों वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एक बात और कहूंगा, जिस दिन से उनका देहांत हुआ है 6 फरवरी 2013 दिन बुधवार को, तब से ईश्वर का संगीत ही सुना हो गया। उनके दो भाई भी हैं मंजेश और प्रवेश, कथा तो कहते हैं लेकिन आकाश का जो चंद्रमा था वो तो भक्त चला ही गया। याद आती है तो मंजस की वो मजबूरी होती है कि कुछ कह नहीं पाते, कितने भी सुधार को रोके बल्कि रुकती नहीं है। गुरु मेरे छोड़ के मजधार पड़ी पीछम मजधार आइन का पार ले गई और
तो गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, अब आ जाओ देहाती कलाकारों की ओर। हमारे जो बाबा गुरु हैं स्वामी आधार चैतन्य जी कथा सम्राट, उन्होंने ये गीत कैसे गाया है अपनी तर्ज में उन बंबई के कलाकारों के लिए कि सुनो हम तुम्हारी धुन कैसे गाते हैं। और मेरे लसके कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। उनके बाद में नाम सुना होगा तुमने एक देवकी शास्त्री जी हैं, उन्होंने इस गीत को किस तरह से गाया है कि मेरे लश्कर कमर हर तूने पहली